बाहर पे चल रहा है धूलि अर्घ का कार्यक्रम। दूल्हे राजा तो बाहर हैं और हमारी प्यारी सी नन। कैसा लग रहा है? अभी यहाँ पे हो रहा है धूलि अर्घ। धूल भी यहाँ पे बाराती लोगों को मिल गई है। चाय पकौड़ी मिल गई है, पकौड़ी, और मैं भी खाऊंगी पकौड़ी। तो अभी हमको पकौड़ी भी मिल गई है, दाल की पकौड़ी। और सभी यहाँ पे सभी लोग खा रहे हैं और हम लोग भी आ गए हैं खाना खाकर। खाना खाने गए थे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बढ़िया तो नहीं हूँ, तबीयत खराब ही चल रही है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत और मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमली से। तो अभी मेरी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, मैं जा रही हूँ गाँव में। तो जैसे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम रोटी बना रहे थे और कीर्तन भजन हुए थे, तो वहाँ पर है ननन जी की शादी। तो अभी जा रहे हैं हम शादी में और आज आएगी बारात, तो हम आपको भी दिखाएंगे बारात और मिलते हैं सीधे गांव में। अभी फाइनली हम लोग भी पहुंच गए हैं बारात वाले घर पे और थोड़ी देर में यहाँ पे बारात पहुंचने वाली हैं। तो दीदी जी भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो रखी हैं आज पहाड़ी लुक में। अच्छे होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। पर मैं तो नहीं तो बने रहे साथ में। हम आ रखे हैं बारात में और आप लोग भी बने रहे हमारे साथ में। थोड़ी देर में बारात आएगी, आप लोगों से भी मिलाएंगे। हाय, यहाँ पे हो गई है बिल्कुल बारात आने की तैयारी। बारात बिल्कुल नजदीक पहुँच गए हैं और सभी लोग खड़े हैं बारात के स्वागत में। थोड़ी देर में यहाँ पे बारात आने वाली है और कुछ लोग यहाँ ऊपर भी बैठ चुके हैं। सभी लोगों ने अपने लिए जगह बना ली है और यहाँ पे अच्छी तरह से सजा भी लिया है बारात के स्वागत के लिए। तो ये है पुरानी खोली वाला घर और इसके ऊपर जाऊंगी मैं भी अब, और मैं भी ऊपर बैठूंगी छज्जे में। तो मैं भी आ गई हूँ डंडियाली में। प्रणाम बेटा। मैं भी आ गई हूँ इस खूबसूरत घर में, यानी कि इसको बोलते हैं डंडियाली बोलते हैं इसको। और बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं दीवार में। तो मैं भी जाती हूँ बाहर और आप लोगों को भी दिखाती हूँ बारात का खूबसूरत नज़ारा। अभी गेट पे दूल्हे राजा के द्वारा रिबन काटा जा रहा है, तो बारात को इधर आने नहीं दे रहे हैं तब तक जब तक पैसे नहीं दिए। अब रिबन भी कट चुका है, पैसे भी मिल चुके हैं और दूल्हे राजा भी धीरे धीरे चांदनी चौक की ओर आ रहे हैं। राजा को मिठाई खिलाई जा रही है अभी और अब गोदी में उठाएंगे। तो इस प्रकार से दूल्हे राजा को गोदी में उठाकर ला रहे हैं हमारे गांव के नव युवक दल। बारात भी पहुंच चुकी है चौक में, चांदनी चौक में, और हम सभी लोग बैठ रखे हैं यहाँ छज्जे में। नीचे गिरेंगे तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से ना अब ये लोग गाली देंगे, जैसे पहले के जमाने में देते थे गाली देते थे ना, तो आज भी इसी तरह से गाली देंगे हम। मांगल भी लगाएंगे, गाली भी देंगे। पहले था वो रिवाज में गाली देने का, अब नहीं है। सासू जी के द्वारा यहाँ पे दामा जी के ऊपर पानी का लोटा गिरा करके पी रहे हैं और काली दाल चावल डालते हैं। तो बाराती में ना लेडीज भी बहुत ज्यादा आ रखी हैं और दूल्हे राजा भी अब गोदी में आगे आगे। और ढेर सारे बाराती, जेंट्स लोग कम है बारात में और लेडीज बहुत ज्यादा है। लगभग सभी जगह यही रिवाज है। तो सतनी गांव की बारात हमारे गांव में तीसरी बार आ गई है।
यहाँ पे बाराती लोगों को मिल गई है चाय पकौड़ी जूस पानी आदि। तो हमारे गांव के सभी लोग लगे हुए हैं मेहमानों की खातिरदारी करने में। अभी यहाँ पे हो रहा है धूली अर्घ होता है दूल्हे राजा का। तो यहाँ पे पंडित जी ने पूजा की सारी सामग्री भी रखी हुई है और अब होगा धूली अर्घ का कार्यक्रम शुरू। बाहर पे चल रहा है धूली अर्घ का कार्यक्रम। दूल्हे राजा तो बाहर हैं और हमारी प्यारी सी ननंद जी यहाँ पे बैठ रखी हैं। तो शादी की जोड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो यहाँ पे आ गई हैं दुल्हन की मम्मी जी भी। तो बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आप। हम भी जा रहे हैं दुल्हन के साथ। तो ये है हमारी प्यारी सी ननंद, आपको शादी की ढेर सारी बधाई। और ये है इनके प्यारे से दूल्हे राजा। तो दूल्हे राजे का ध्यान उधर है और हमारी नंद जी का ध्यान हमारी उधर है। और कल फिर हमारी बिटिया की मेहंदी है, कब परसों इसकी शादी भी है। वो परचौक में चल रही है जयमाला। तो तब तक सारे गांव वाले लोग आ गए हैं। तो अभी हमको पकौड़ी भी मिल गई है, दाल की पकौड़ी। और सभी लोग बैठ रखे हैं भात खाने के लिए लाइन पे। और पंडित जी भात देंगे अब हमको, मतलब पूरा गांव बैठ रखा है भात खाने के लिए। और सबके लिए पकौड़ियाँ भी मिल गई है पकौड़ी। और मैं भी खाऊंगी पकौड़ी दाल की, कैसी होती है वहाँ। बहुत बढ़िया हो रही है। सभी लोग खुचवा रहे हैं और हम लोग भी आ गए हैं खाना खाने गए थे तब तक जयमाला। दीदी बोल रही है अभी यहाँ पर हो गई है जयमाला। और आप लोग देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन की बहुत ही प्यारी जोड़ी है। अभी यहाँ पे सभी लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जयमाला वाली साइड हीरोइन तीनों की साड़ी पहन रही है और हम हीरोइन से भी कम नहीं है और बहुत सुंदर लग रही है। आपने मुझे तारीफ की, धन्यवाद बेटा। आप सपना की शादी में मिलेंगे इससे पहले। और ये मेरा नाती है, ये मेरी दादी जी हैं। बोलो आपकी दादी हो ना। नहीं, मेरी दादी कैसा लग रहा है आपको शादी में आकर? बहुत अच्छा है, साथ में बैठे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग हाथ भी खा लिया, बहुत हाथ भी खाने आ रहे हैं। ये तीनों ना आज बड़ी मुश्किल से मिली है शायद, है ना। बहुत अच्छे, असली पहाड़न लग रही है। बारात की विदाई नहीं हुई है धूली अर्घ के बाद, अंदर की पूजा हो रही है। तो हमने जाना है सीधा शिमली। तो हम लोग जा रहे हैं घर। करीना भाग गई आगे और दीदी और मैं आ रहे हैं पीछे। तो ठीक है यार दोस्तों, अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आरती रावत ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी दूसरी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हो देवभूमि उत्तराखंड। बाय, मिलते हैं बाद में।